मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का तूफानी दौरा जारी है। जीतू ने आज अपनी भिंड यात्रा के दौरान पत्रकारों से चर्चा की। उनके साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, सदन के उपनेता हेमंत कटारे भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान जीतू ने बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। जीतू बोले, जो सरकार भोपाल से चलानी थी वह सरकार दिल्ली से चल रही है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली से संचालित होने का खुला आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र दो पटरियों पर चलता है, एक सत्ता पक्ष दूसरा विपक्ष। जनता ने जो हमें आदेश दिया है वह हमारे सर माथे हैं। सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और खासकर भिंड में जो हमारे ब्यूरो है वो एक तो भिंड की माटी की तासीर उनमें जो एक ईमानदारी और बहादुरी की है उस भावना का भी मैं सम्मान करता हूं और इस एहसास को जीता हूं कि वो सच्ची और अच्छी खबरें, जनता की खबरें, वो बातें जो सरकार को जगाती है, आगाह करती है, जनप्रतिनिधियों को आगाह करती है, उनको आप खूब उठाते हैं, हम देखते रहते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भिंड की जो पूरा दिन कल कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का रहा, दतिया और भिंड का अद्भुत उत्साह है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके के रिजल्ट आए कार्यकर्ताओं को एहसास नहीं था इस बात का, न जनता को था, न आप लोग मीडिया जगत को था। ये कल की बातचीत से पूरा संदर्भित होता है। जहां तक प्रश्न है भिंड का, मैं जब आज एक कल सुबह 2:30 बजे हम 3 बजे लगभग जगे थे, पूरा दिन जयवर्धन सिंह जी, मैं और हमारे हेमंत कटारे जी और तमाम साथी, हम लोगों से मिलते रहे, जगह जगह बातें करते रहे। पर सबसे सुकून तब हुआ जब मैंने एक हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई के यहाँ हमारा रात का खाना हुआ, पूरे दिन से कहीं नहीं मिला था। तो वो एक एहसास इस भावना का कि भिंड की माटी में सिर्फ बहादुरी नहीं है, उतना ही प्यार है, प्रेम है और अद्भुत अकल्पनीय एक अपनत्व है। और फिर एक हमारे सेवा दल के साथी के यहाँ हमें जब स्थान मिला सोने का, जयवर्धन सिंह जी को और हमें, तो भिंड की जो तासीर है सेवा देने की, प्रेम देने की, अपनत्व की, ये इस भावना को एहसास कराती है कि बदलाव सबसे पहले यहाँ से होगा। मैं आप सबको इस बात का आभास कराता हूँ कि देश की सरकार ने देश के सामने जो वादे किए थे, जो मोदी गारंटियां दी थी, वो सर्वविदित है, सब जानते हैं, आपकी एक भी पूरी नहीं हुई, देश भी जानता है। पर सबसे बड़ी बात जो भिंड में इस ग्वालियर चंबल की माटी में जो एक देशभक्ति की भावना है, वो देश के लिए यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं जाते हैं तो यहां से सेना में जाते हैं, जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी मिट्टी से भी इसका रिश्ता है। तो मैं मानता हूं कि जो देश के लिए देने की बात थी, देश के लिए जान देने की बात थी, देश के लिए शहादत देने की बात थी, और उस शहादत का अपमान होता है अग्निवीर योजना से, तो इस माटी पे इस भावना को कि अग्निवीर योजना इस देश सरकार गलत लेके आई है, देश की सरकार, उसको फिर से रिमैप होनी चाहिए और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस योजना का समापन कर देंगे। साथ ही साथ हमने ये भावना कि जो कर्मचारी है वो चाहे देश के हो चाहे प्रदेश के हो, हमारी जब सरकार, हम वचन पत्र लेके गए थे तो हमने कहा था कि हम पुरानी पेंशन देंगे, ये सरकार को देनी चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां पर अलग अलग वादे किए गए, ये नेशनल हाईवे का भी मुझे ज्ञापन मिला, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सर्वविदित है, सरकार भाषण भी देती है घोषणा भी करती है, पर संभाग भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें, आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। लोकतंत्र में कल भी मैंने सब जगह कहा, जो जीता वो सिकंदर, अगर वो जीत गए, हमें जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर कहा था, तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले एक महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए, क्या कारण है कि 3,000 रुपए की बात की थी,
बहनों के खातों में, तो 1,000 रूपये देने में भी सरकार हाँपने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजन ही था, इधर से उधर से किधर न किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है? तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। धान का अंचल है हमारा भिंड जिला, आसपास का ग्वालियर चंबल संभाग, 3100 रूपये आपने धान खरीदने का बोला है, विधान की खरीदी का समय चल रहा है, तो आप 3100 रूपये क्यों नहीं देना चाहते? क्या कारण है कि आपने 450 रूपये का गैस सिलेंडर का बोला था? एक मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। हमारा दायित्व है हम सरकार को वो सब बातें याद दिलाते रहे जिसमें सरकार ने जो कहा वो करें। हम जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनादेश मिला सर माथे पे है, पर हमारा दायित्व है हम सरकार को जगाएं। जहां तक भिंड का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, हम दृढ़ संकल्पित है कि इस बार लोकसभा भिंड की कांग्रेस जीतेगी। पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। कल आपने भिंड में 9 बजे रात को जब हमने मेन कार्यकर्ताओं को बुलाया, इतनी ठंड के बाद 8 डिग्री के बाद भी जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में, जो एक एहसास था, एक तड़प थी जीतने की, वो दिख रही थी। फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं कोई छोटी और ऊंची या राजनीतिक बात कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम सीधी सरल और दिखने वाली बात करना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो करो। शिवराज जी को इनने चेहरा बनाया, उनसे वोट लिए, उनके नाम पे लिए, फिर मुख्यमंत्री इन्होंने प्रहलाद पटेल को बनाया, उनके नाम पे लिए, फिर नरेंद्र तोमर जी को बनाया, उनके अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पे एक तरह से छला लोगों को, और फिर एक नया कार्ड खेला। उसको वो अपनी राजनीति भी कहते हैं, अपना सामर्थ्य भी कहते हैं, मोदी जी की हठधर्मिता भी कहते हैं, या जो भी वो उनके इंटरनल मामला है। पर ये तो धोखा है जनता के साथ कि आपने चेहरा किसी और का बताया, मुख्यमंत्री किसी और का बना दिया। जो विधायक है उनका अधिकार है, लोकतंत्र में जनता ने दिया है, संविधान ने दिया है कि अपना वो नेता चुने। वो नेता की चिट्ठी आई, विधायक मजबूर हो गए उस नेता को चुनने के। जो मुख्यमंत्री है जब चुना गया तो अल्टीमेटली उसको, उनको अधिकार है मुख्यमंत्री को कि वो अपना मंत्रिमंडल चुने। पर मंत्रिमंडल की चिट्ठी आ गई कि इन इन लोगों को आपको मंत्री बनाना है, शपथ दिलाना है। विभाग, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अपने विभाग नहीं बांट सकता है। तो ये हमने भोपाल से सरकार चुनी थी, यहां से भोपाल से चलने वाली सरकार चुनी थी, हमने दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं चुनी थी। जो विधानसभा के चुनाव के भी दिल्ली से ही चलेंगे, लोकसभा के चुनाव भी दिल्ली से ही चलेंगे, फिर एक दिन नगर निगम भी क्या दिल्ली से चलेगी, नगर पालिका भी दिल्ली से चलेगी, पंचायत भी दिल्ली से चलेगी। ये एहसास क्या कराता है? ये लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने वाला एहसास कराता है। मैं फिर से इस बात का, इस भावना का, सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन पत्र दिया उसको वो पूर्ण करे। हम ये बार 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 कहते रहेंगे। फिर हमारा दायित्व है, हमें जो जिम्मेवारी मिली है, कार्यकर्ता को मिली है, हम सब एक साथ मिलके उस भावना को जो विपक्ष का है बिल्कुल दृढ़ता से करेंगे, बिना अहंकार से करेंगे, बहादुरी से करेंगे। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आने वाले समय में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। आपके अंचल के, हमारी पार्टी के उपनेता सदन के अंदर बने हैं। भिंड और मुरैना के जितने भी मुद्दे हैं सदन में भी बहुत ताकत से उठेंगे। और जयवर्धन सिंह जी, पिछले जब से हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी उधर चले गए हमें धोखा देके, तब से यहाँ पे बहुत सक्रिय हैं। जब मैं 2 दिन से इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि हमारे नए नए कार्यकर्ताओं का जो एक आकर्षण है वो बहुत अकल्पनीय और अद्भुत है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ, जनता से भी करना चाहता हूँ, कि आप कांग्रेस के विचार में अपना विचार मिलाएं। भारत जोड़ो, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल में लगभग 20 फरवरी के आसपास झांसी से प्रवेश करेगी। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि ये न्याय की बात के लिए है, ये उस भावना के लिए है जिस भावना में आर्थिक जो असमानता आई है, राजनीतिक जो असमानता आई है, सामाजिक जो असमानता देखने को मिल रही है, उससे देश में क्रांति आएगी, देश बटेगा,
देश को अगर एकजुट रखना है, एक साथ रखना है, तो इस असमानता को दूर करना पड़ेगा। आर्थिक संबल आदमी 10-15% संपत्ति गरीब 80% लोगों के पास बच गई, और 80% के आसपास संपत्ति सिर्फ 15% लोगों के पास रह गई। ये देश के सामने संकट है, और इस संकट से लड़ने के लिए विपक्ष की भूमिका आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी निभाई, अब फिर से निभा रहे हैं। वो चूंकि ये आएगी तो मैं आम जनता से, आम कार्यकर्ता से, आम आप जर्नलिस्टों से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जो सरकार भोपाल से चलानी थी वह सरकार दिल्ली से चल रही है। मुख्यमंत्री विधायकों को चुनना था लेकिन दिल्ली से चुना गया। जनता को बताया गया लाडली बहना का भैया शिवराज सिंह चौहान, यानी दिखाया कोई और शादी किसी और से करा दी। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना तो मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, लेकिन चिट्ठी दिल्ली से आती है। मंत्रियों को शपथ दिला दी और विभाग बांटने का अधिकार मुख्यमंत्री को था, लेकिन उसके लिए भी दिल्ली से चिट्ठी आई। जनता ने सरकार तो बनाई थी भोपाल से चलने के लिए, लेकिन सरकार दिल्ली से चल रही है। यह संकट और चुनौती दोनों है, कांग्रेस को इससे लड़ना है, संघर्ष करना है। दरअसल आगामी दिनों में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कल मंगलवार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक फूल सिंह बरैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह, पूर्व विधायक लाखन सिंह लहार पहुंचे थे। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता भाषणों के दौरान मंच से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते दिखे। वहीं लोकसभा को लेकर पूछे गए सवाल पर हेमंत कटारे ने बताया कि आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, जनता का विश्वास जीतने का कार्य करेगी और विधानसभा चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा भी करेगी और एक अच्छा परिणाम सामने निकल कर आएगा। वहीं सिंधिया के सवाल पर जीतू ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा नहीं थे। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, उस दौरान मैं चुनाव कैंपेनिंग का हिस्सा था, कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, आज भी कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व है, सिंधिया को कांग्रेस ने कभी चेहरा नहीं बनाया।